सुप्रभात बच्चों, मैं रीना सूरज कुरबाग से हिंदी विषय की अध्यापिका आज आपके सामने लिंग उपविषय लेकर आई। लिंग, जैसा कि आपने पढ़ा है, लिंग क्या होता है? जैसे माता पिता, भाई बहन, तो ये क्या है कि हमने भाई का क्या कर दिया, बहन में लिंग चेंज हो गया, भाई से बहन में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे टॉपिक? लिंग। लिंग क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से हम परिभाषा लिखते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का, या कहेंगे स्त्री का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? ये क्या बताया कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री, यानी लिंग क्या है इसमें, पुरुष और स्त्री का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा? लिंग। जैसे पिता, माता, राजा, रानी। तो इससे हमें पता लग रहा है, क्या पता लगा? जो पिता है वो क्या है? पुरुष। तो ये पुरुष का पता लगा और माता क्या है? स्त्री है। तो इससे हमें क्या पता लगा? स्त्रीलिंग का। तो इसीलिए हमारे क्या भाग पर कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, जैसे राजा और रानी। इसी तरह भेदों के बारे में बताए तो लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्री। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराए, जो पुरुष जाति का बोध कराए। जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा था पिता, तो पिता क्या है? पुरुष है। अब इसी तरह से अगला आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। स्त्री का जो बोध कराएंगे, यानी जो स्त्री का शब्द होंगे स्त्री के, वो क्या कराएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे हमने पढ़ा राजा और रानी, राजा तो क्या है? पुल्लिंग, और रानी क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसीलिए इनके आधार पर लिंग के कितने भेद किए? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मालिक। तो मालिक का क्या हो जाएगा? मालकी। इसी तरह से उसके आगे हम करते हैं दादा, दादा का क्या करोगे? दादी। नाना का नानी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, हम भूल से जाते हैं। जैसे है गुणवान। अब ये गुणवान क्या है और इसका लिंग जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? गुणवति। गुणवान जो वर्ड है उसका अगर हमने लिंग चेंज किया तो क्या बना? गुणवती। इसी तरह से अगर हम
नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जैसे मछली, जैसे मछली हो गया, मक्खी हो गया, और नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे मगरमच्छ।